हेलो दोस्तों, तो आज क्रेजी एक्स वाई जेड ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो मिस्टेनियन हैकर से मिलने जाते हैं उनकी जगह पर और उनकी जगह को पूरा कवर करते हैं, उनका सेटअप दिखाते हैं और कैसे कैसे वो शूट करते हैं, इन सभी बातों को वो कवर करते हैं। बट यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ख़राब लगी हैं क्योंकि मैं इन दोनों यूट्यूबर्स को फॉलोअर हूँ और इन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, इनके वीडियोज़ को लाइक करता हूँ और इनको बहुत अच्छे से पसंद भी करता हूँ। तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी दोस्तों, जैसे मुझे इस वीडियो में देखने को मिला। मतलब कि यहाँ पर अमित भाई जो है दिलराज भाई से बात कर रहे हैं, उनकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, बट यहाँ पर दिलराज भाई जो है उनको टोकते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसकी वजह से मुझे जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिलराज भाई के लिए यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा फील होगा प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हो सकता है यहाँ पर दिलराज भाई जो है अमित भाई का टांग खींच रहे हैं, हो सकता है मस्ती में, मजाक में, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कुछ और इसके पीछे वजह हो, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस सीन पर चलते हैं। यहाँ पर अमित भाई जो है दिलराज भाई से मिलते हैं और क्या बात होती है आप खुद ही सुन लीजिए। देख लिया था उधर पे, देख लिया था। नहीं, हमने तो आपको यहाँ पे देखा बस गेट पे। अच्छा, हाँ, इससे पहले नहीं देखा। नहीं, यहाँ पे आप लोग शूट कर रहे हैं ना इधर पे? ये नहीं, तो आपने यार रास्ता ढूंढ लिया। तो यहाँ पर अमित भाई जो है दिलराज भाई को बोल रहे हैं कि उन्होंने उनको पहले देख लिया है, बट उन्होंने उनकी बात को साफ नकार दिया। जबकि अमित भाई ने वीडियो में पहले ही अपनी गाड़ी से ही बता दिया था कि ऑरेंज कलर की शर्ट में वो शूट कर रहा, मतलब पेड़ वेड़ से ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। अब यहाँ पर अमित भाई कुछ बोलना चाहते थे बट उनकी बात को यहाँ पर काट दिया गया है और उनको मजबूरन आगे बढ़ना पड़ गया है। तो चलिए और देखते हैं और आगे क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पर अमित भाई जो है उनके स्टूडियो के अंदर जाते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं और थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं जैसा कि वो अक्सर किया करते हैं अपने वीडियो के लिए। और तब वहाँ पर क्या होता है, वो आने वाला सस्पेंस बनन बनता है। गाइस, आप लोगों के सामने, गाइस आप लोगों के सामने, अरे आ जाओ। मजबूरन अमित भाई को जल्दी से अंदर जाना पड़ता है क्योंकि बार बार वहाँ पर दिलराज भाई उनको अंदर आने के लिए बोल रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। इस सीन में अमित भाई बोलते हैं कि ये जगह उनको देखी हुई लग रही है, मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसा जाहिर करते हैं, बट उनकी बात के यहाँ पर फिर से काटा गया है। नहीं जगह, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इतना पुरानी यादें ताज़ा। देखा क्या हुआ। अब नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि दिलराज भाई जो है अमित भाई का फिर से टांग खींचते हैं, वो भी कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस सीन में अमित भाई जो है कुएं को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पानी बहुत, अब ये कुछ ज्यादा हो गया, मुझे तो बहुत बुरा लगा यार। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, नेक्स्ट सीन में देखते हैं और क्या होता है। अब यहाँ पर अमित भाई को उनकी पेटी मिल जाती है और वो पूछते हैं कि भाई इसके अंदर में क्या है, और देखिए वो सीरियसली यहाँ पर पूछ रहे हैं, बट यहाँ पर मिस्टेनियन हैकर ने उनको क्या जवाब दिया। इसके अंदर अभी है ना, इसके अंदर दफन है कोई। अच्छा, अभी भी दफन है इसके अंदर कोई। अब दोनों टीम के बीच में क्रिकेट होना है और अमित भाई जो है अपना क्रीज नापने का तरीका बताते हैं जो कि आम तौर पे ऐसे ही किया जाता है, बट दिलराज भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। क्योंकि हम खेलते हैं ना तो लाइन मिट जाती है, फिर लड़ाई होती है, इसीलिए असली फैसला लड़ाई से ही जीता जाता है। और कुछ लगा सकते हैं उसके लिए, मतलब टांग खींचने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर दिलराज भाई। यार ये थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है। अब यहाँ पर अमित भाई उनके एक रिमोट को टच करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और हमारे मिस्टर इंडियन हैकर वो क्या बोलते हैं ये देखिए जरा। नहीं, इससे आप किसी भी चीज को रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, कुछ भी कंट्रोल, आपको भी कंट्रोल कर सकते हैं इससे। क्या बात है। हाँ जी हाँ, वो एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें हम ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे थे, तो अभी हम चाहे तो अमित भाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर 3 दिन के लिए इनको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हैं दिलराज भाई टांग खींचने के लिए, मतलब समझ सकते हैं ना वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उनको खुद भी नहीं मालूम यार। ये बहुत ज्यादा एरोगेंस का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनका। तो इसके छोटे छोटे से टुकड़े सबके अंदर घुसेंगे, सब खत्म, इसीलिए इनको संभाल के रखना होता है। और ये अलग है, लाफिंग गैस होगी? नहीं, लाफिंग गैस नहीं है, सब अलग। ओ तेरी भाई, इतनी खतरनाक चीज को इतने अच्छे से संभाल रखा है, बस बॉक्स में रखा और ये बहुत अच्छे से संभाल दिया। वाह, आई थिंक इसे रखना बोलता है, संभाल के रखना नहीं बोला जाता। तो दोस्तों, क्योंकि मैं भी दिलराज भाई और अमित भाई का फ़ैन हूं, इसलिए मैं उनकी हर वीडियो को बारीकी से देखता हूं और कोशिश करता हूं उनकी वीडियो की उन चीज़ों को लाने की जिनको आप हो सकता है नज़रअंदाज कर देते होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे सच में बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं जो है दिलराज भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और नहीं चाहता वो अनजाने में ही कुछ ऐसा कर जाए। और अभी आधा ही वीडियो मैंने अपलोड किया है, हो सकता है इसका नेक्स्ट वीडियो भी आए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, कुछ ऐसे ही बातों पे फिर से गौर फरमाते हुए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।